हेलो स्टूडेंट्स, इन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम नेक्स्ट जो फाइलम करते हैं पॉरीफेरा के बाद वो है सिलेंट्रेटा, है ना। अभी तक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, मल्टी सेलुलर है, है ना, लेकिन टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ एनिमल्स जो है उनकी बॉडी जो है उनमें लेयर्स मिलने लग जाती है, तो बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर ऐसा कुछ है, है ना, तो वो लेयर्ड फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट होने लग जाता है सिलेंट्रेटा तक। तो वो जो लेयर होती है बाहर वाली उसको एक्टोडर्म और अंदर वाली जो लेयर होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं। तो अगर डबल लेयर एनिमल है, जो लेस डेवलप एनिमल होते हैं वो डबल लेयर होते हैं, तो उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर बुक में कोई वर्ड है तो उसका मीनिंग ये है, देयर आर टू बॉडी लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जैसे सिलेंट्रेटा का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट जो फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, है ना। फाइलम ऑर्डर में ही हमको लर्न करना है, जैसे पॉडिफेरा उसके बाद सिलेंट्रेटा। तो इस एनिमल, इन एनिमल्स में जो हम बात करते हैं वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो राइट है, बट बॉडी फॉर्म विद टू लेयर्स, है ना, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें लेयर्स फॉर्मेशन हो जाता है। द आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म, है ना, एक्टो एंड एंडो। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। क्योंकि दो लेयर प्रेजेंट होती है इसलिए ये जो एनिमल्स होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो मेडअप ऑफ, ये यहां पर हम लिख देते हैं मेडअप ऑफ टू बॉडी लेयर्स, है ना। तो पहली जो है वो है एक्टोडर्म और दूसरी जो है वो एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और जैसा मैंने आपको बताया दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको मीजोग्लिया भी कहते हैं। अगर ये बुक में होगा तो आपको मिलेगा, वरना मैं आपको बता रही हूँ डिप्लोब्लास्टिक मिलेगा आपको। और जब एनिमल जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, जैसे हम हैं तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हमारे अंदर एक और लेयर बन जाती है मीजोडर्म, है ना। तो वो एक्चुअल में ये जो लेयर्स होती है इनसे फर्दर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। तो ये तो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, ठीक है। तो यहां पर हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉडी है उसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, वहां पर टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, उसको जो बॉडी है यानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन, है ना। इसका एग्जाम्पल जेलीफिश है, है ना, आप जो देखा होगा सबने मोस्टली कहीं टीवी में देखा होगा, या स्ट्रक्चर तो हम नोन है ऑलमोस्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये जनरली बहुत बार हमने देखा हुआ है एनिमेटेड मूवीज में भी होता है, है ना। तो ये जेलीफिश इसको बोलते हैं। तो जेलीफिश जो है वो इस मतलब इस फाइलम का एनिमल है, तो उनकी जो बॉडी होती है उसको सिलेंट्रॉन कहते हैं। अब ये जो सिलेंट्रॉन होती है ये क्या काम करती है, ये काम करेगी डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो फंक्शन बॉडी जो होगी, या बॉडी हम इसको कैविटी नहीं, सिलोम नहीं कह सकते, जैसे मैंने आपको बताया था बॉडी कैविटी जो होती है ट्रू सिलोम, जिसके अंदर डिफरेंट टिश्यू फ्लूड और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो नहीं है। इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, और इसका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, सिलेंट्रॉन का फंक्शन हो गया सर्कुलेशन, है ना, डिफरेंट मटेरियल्स का एंड डाइजेशन। जो भी ये एनिमल खाएंगे उनका डाइजेशन इस सिलेंट्रॉन के अंदर होता है, ठीक है। फिर देयर इज अ वन ओपनिंग व्हिच इज नोन एज, बॉडी जो है वो एक ओपनिंग से खुलती है जिसको जनरली माउथ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी क्योंकि लोअर काइंड ऑफ एनिमल्स हैं, लेस डेवलप्ड है, इसलिए मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, है ना। तो मोस्टली एक्वेटिक होंगे,
स्टेशनरी पे हो सकते हैं और मूवेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास मूव करने के लिए इनकी जो बॉडी होती है वो मूव करने के लिए फिजिबल हो जाती है। तो मोस्टली एक्वेटिक होंगे, मरीन ज्यादा मिलेंगे है ना, एक्वेटिक में जो ओशियंस और सी के अंदर मिलते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अभी हम स्टडी कर रहे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, एक ओपनिंग होती है जिसको माउथ कह सकते हैं, देयर इज अ वन ओपनिंग थ्रू विच सिलेंट्रॉन ओपन, इनके अभी मैं बताती हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, सिलेंट्रॉन ओपन होता है और मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं। अब इनमें स्पेशल क्या है, यहां तक आते आते जो ऑर्गेनिज्म इनमें क्या डेवलप हो जाता है, एक तो लेयर्स डेवलप हो जाती है ना, बॉडी लेयर्स डेवलप होने लग जाती है, दूसरा इनके माउथ के आसपास अराउंड माउथ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड नोन एज टेंटिकल्स। ठीक है, यहां पर ये एक डेवलपमेंट है क्योंकि माउथ के आसपास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे हैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो डेवलप होने लग जाती है, जिससे वो अपना फूड जो है वो कैच करके सिलेंट्रॉन के अंदर डालते हैं। जेलीफिश के अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं वो नीचे की साइड लटके हुए रहते हैं, लेकिन एक दूसरा इसका जो पॉपुलर एनिमल है जिसको हाइड्रा कहते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है, ये हाइड्रा है और ये उसके टेंटिकल्स होते हैं यहां पर इस तरह से। ठीक है, ये हाइड्रा होता है और इसकी इस टाइप के टेंटिकल्स होते हैं और इसके इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो उन पर कुछ स्ट्रक्चर सेल कुछ सेल्स मिलती है जिनको नीडोब्लास्ट कहते हैं। इसमें जो सी है वो साइलेंट है, CNIDOBLAST, नीडोब्लास्ट है ना। ये टेंटिकल्स, और अब टेंटिकल्स ये जो हुआ ये हुआ माउथ, माउथ के आसपास प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उनका फंक्शन जो प्रे है उनका जो शिकार है उसका जो फूड है उसको पकड़ के बॉडी के अंदर डालना होता है। देर एक ही ओपनिंग होती है माउथ और ये जो बॉडी कैविटी है इसको क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं वो है हाइड्रा, बहुत कॉमन एनिमल है जो पानी के अंदर मिलता है, मूव कर सकता है और इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो भी इजीली दिखाई देते हैं पानी के अंदर मूव करते हुए, ये इसी फॉर्म में इसी वर्टिकली मूव करता है। ठीक है, तो टेंटिकल्स होते हैं, उन टेंटिकल्स सेल्स आर फाउंड ऑन टेंटिकल्स टू कैच इट्स प्रे है ना, अपना फूड पकड़ने के लिए उनके नीडोप्लास्ट जो होती है वो हेल्प करती हैं टेंटिकल्स को। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो इस फाइलम का यूनिक फीचर है कि यहाँ पर इस टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप हो गई है जो, और दूसरा जो एक तो ये हो गया इसका, दूसरा इसका लोकोमोशन में भी इसका हेल्प होगा जिसकी वजह से ये स्विम इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो टेंटिकल्स होंगे उनके जो फंक्शन हो गया, एक तो हो गया टू कैच देयर फूड एंड फॉर लोकोमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों तरह से, टू कैच देयर प्रे एंड टू प्रिवेंट या टू एस्केप फ्रॉम एनी प्रेडेटर, दोनों में ये यूज करती है। यानी नीडोप्लास्ट जो सेल होती है वो बेसिकली एक सब्सटेंस भी सीक्रेट कर सकती है जिसकी वजह से जो वो फूड है वो उनके पास आ जाए। सो ये हो गया सिलेंट्रेटा है ना, ये फाइलम हो गया सिलेंट्रेटा जिसमें हमने ये सारा स्टडी किया है। अब कंपैरिजन से जब हम लर्न करते हैं पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा को, इसके एग्जांपल्स भी मैंने अभी आपको बताया दो एग्जांपल, एक तो हाइड्रा है फिर दूसरा जेलीफिश है, हाइड्रा जेलीफिश कॉमन एग्जांपल है इसके, और फिर
जो बुक में आपको मिलेगा सी एनिमोन एंड कोरल्स, है ना, ये वन सी एनिमोन और कोरल्स, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सिलेंड्रेटा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो फोर एग्जाम्पल्स हो गए, फोर एग्जाम्पल्स हमने पॉलीफेरा में भी देखे थे। नाउ दोनों फाइलम का कंपैरिजन करते हैं जिससे हमको दोनों में क्लियर हो जाए कि हम कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। तो हम कंपैरिजन के लिए कर लेते हैं पॉलीफेरा और दूसरा है सिलेंड्रेटा, ठीक है, सिलेंड्रेटा एंड पॉलीफेरा किसके कंपैरिजन में सबसे पहले आएंगे कि जो पॉलीफेरा है वो पोर बियरिंग एनिमल है, ठीक है, इनकी बॉडी पे जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइड्रा यानी जो सिलेंड्रेटा है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, है ना, यानी उनकी जो बॉडी लेयर्स है वो टू लेयर बॉडी जो है वो टू लेयर्स में है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हम ऐसे लिखेंगे दीज आर पोर्स बियरिंग एनिमल्स। जैसे हमने प्लांट में प्लांट के डिफरेंट डिवीजन में डिफरेंसेस और कंपैरिजन किए थे डिवीजन में, तब वैसे पॉइंट्स लर्न होते हैं, वैसे एनिमल्स में भी कंपैरिजन से दोनों जो भी फाइलम है आपस में कंपैरिजन करोगे आप तो वो क्लियर हो जाएंगे। पोर बियरिंग एनिमल और ये क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, उनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं और उनकी बॉडी पे टू लेयर्स होती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। फिर यहां पर एक पोरीफेरम है, पूरी बॉडी पे पोर्स तो होती हैं और उनका जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है देयर इज अ बिग ओपनिंग नोन एज ऑस्क्यूलम, ठीक है, एक बड़ा ओपनिंग होता है बॉडी के सबसे ऊपर जो जिसको हम क्या बोलते हैं ऑस्क्यूलम बोलते हैं, और सिलेंड्रेटा में माउथ ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता बट कवर्ड विद और वी कैन से सराउंडेड विद टेंटिकल्स, ठीक है। तो यहां पर ये इसकी एक स्पेसिफिक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई सिलेंड्रेटा की, उसके पास टेंटिकल्स होते हैं और इनका एक पॉलीफेरा में एक बड़ी ओपनिंग होती है जिनको ऑस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। फिर जो पॉलीफेरा होते हैं वो मोस्टली स्टेशनरी है, यानी उनमें मूवमेंट अभी डेवलप नहीं हुए हैं और एक्वेटिक तो दोनों ही है इसलिए यहाँ पर डिफरेंस नहीं है वो, बट ये है इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट है और दूसरा ये भी एक्वेटिक ही है कि बट मूवेबल है, कॉलोनी में भी मिल सकते हैं, मूवेबल भी हो सकते हैं और स्टेशनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये इसके कंपैरिजन के पॉइंट्स हो गए। कंपैरिजन मतलब हम कैसे लर्न करेंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट हमको याद रखना है, हर फाइलम का एक यूनिक फीचर होता है या वर्ड होता है जो उस फाइलम के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे ऑस्क्यूलम बोला तो पॉरीफेरा, टेंटिकल्स बोला तो सिलेंड्रेटा, है ना। एग्जाम्पल पॉरीफेरा क्या है, हमने बताए थे साइकॉन, स्पॉन्जिला, वीनस फ्लावर बास्केट, और फिर सिलेंड्रेटा के जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनिमोन्स, है ना। तो ये सिलेंड्रेटा के एग्जाम्पल हो गए और दोनों के जो आप जब कंपैरिजन करो बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, हम 3-3, 4-4 एग्जाम्पल सभी के कर सकते हैं। तो आपको एक तो सारे पॉइंट्स जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखने हैं, ईच फाइलम वाइज, है फाइलम लिखा उसकी हेडिंग लिखी और सारे पॉइंट्स लिख दिए, फिर उसके बाद उनके एग्जाम्पल लिख देना है और फिर एक कंपैरेटिव खुद ही टेबल बना लेनी, जैसे ये मैंने बनाई सारे फाइलम्स की, तो आपको वन बाय वन सारे फाइलम्स लर्न हो जाएंगे, बहुत इजी लगेगा चैप्टर। लेकिन बुक में से ये सारी हेल्प आपको नहीं मिलेगी, बुक में वर्ड्स डायरेक्ट दिए हुए हैं, एक ही पैराग्राफ में 3 or 4 फाइलम एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जैसा मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वैसे ही आप लर्न करो। अभी तक हमारे दोनों फाइलम हो गए, दो ही हुए, मतलब पॉलीफेरा और सिलेंड्रेटा। अभी हम इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी कर रहे हैं जिसमें हम अभी और भी बाकी हैं फाइलम्स जिनमें इनवर्टिब्रेट्स में अभी जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर से कोई नया फाइलम जो है वर्म्स वाला जो है प्लेटी एलमेंथिस और एस्के एलमेंथिस वो करेंगे, दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे जैसा मैंने बताया।
लेकिन इसकी एटमोस्ट जो कंडीशन है वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया है, प्लांट किंगडम के साथ साथ एनिमल किंगडम के भी ऐसे ही नोट्स बनेंगे। वहां पर क्लासिफिकेशन का चार्ट है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल, जैसे मैंने अभी आपको अर्लियर बताया था कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में भी क्लासिफाई करते हैं, फिर हम लास्ट में इसका चार्ट बनाएंगे, जिससे हम जब सारे फाइलम हमको हम जब स्टडी कर लेंगे उसके बाद, तो नोट्स बनाना कंपलसरी है इस चैप्टर के लिए, और जैसे मैंने पॉइंट बताए हैं उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 मार्क्स में भी यही लिखना है और 4 मार्क्स में भी यही लिखना है। 2 मार्क्स में अगर एक्सप्लेन करने का तो 5 लाइन्स उसी फाइलम की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो आनी चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।